नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है कैप्सिकम ऑटमनल। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। आज मैं इसके कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के मैदानों में एक तरह का वृक्ष पाया जाता है जिसके जड़ से इसका टिंचर तैयार होता है और इसका पहला लक्षण है यदि आप बहुत हृष्टपुष्ट हैं, बलवान हैं, लेकिन आपको दुर्व्यवहार या दूसरे का संसर्ग बिल्कुल सहन नहीं होता है तो और लिखते समय आप शब्द या अक्षर भूल जाते हैं तो इस दवा का सेवन कीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। कैप्सिकम 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम डायरेक्ट टंग पर लीजिए, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है मिचली पर। यदि आपको खाने की गंध से मिचली आ रही है या किचन में जहाँ खाना बनता है और उसमें से जो गंध निकलती है उसकी जो स्मेल आती है यदि उससे आपकी मिचली बढ़ जाती है तो आप कैप्सिकम का सेवन कीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, आपकी मिचली आना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, कैप्सिकम 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम तीन बार सेवन कीजिए, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला लक्षण है यदि आप रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं और जागने की वजह से आपको कोई समस्या हो जा रही है तो आप कैप्सिकम का सेवन कीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और पढ़ने की वजह से आपको कोई समस्या हो रही है तो उसमें भी आप कैप्सिकम का सेवन कीजिए, इससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। कैप्सिकम 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम तीन बार इसको लीजिए, इससे आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है कॉलरा पर। इसमें पहले दो चार बार कह होती है, इसके बाद दस्त होना शुरू हो जाते हैं, फिर कह होती है और फिर दस्त होता है, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। और उसके साथ साथ एक खास लक्षण होता है खाने की गंध से मिचली आना, यानी खाने का नाम लेते ही जी मिचलाने लगना। यदि ऐसा लक्षण है तो उसमें आप कैप्सिकम का सेवन कीजिए, इससे आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें कैप्सिकम 30 दो बूंद दो दो घंटे पर लिया जा सकता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण पेचिस पर है। इसमें साफ माड़ की तरह या छोटे छोटे सूज जैसे सफ़ेद रंग की चमकीली आँव निकलती है और उसमें एक दो बूंद ब्लड भी रहता है तो ऐसे लक्षण में कैप्सिकम का सेवन करने से ये समस्या ठीक हो जाती है। कैप्सिकम 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम तीन बार सेवन कीजिए, इससे आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है बच्चों में अकड़न के लिए। यदि बच्चे में दांत निकलने के समय अनेक रंगों के दस्त आते हैं और बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, बच्चा हमेशा अपने सिर को इधर उधर हिलाता रहता है तो ऐसे लक्षण में कैप्सिकम बच्चे को सेवन कराइए, उससे उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। कैप्सिकम 30 एक बूंद सुबह, एक बूंद दोपहर, एक बूंद शाम तीन बार बच्चे को दीजिए, इससे उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है बात पर। इसमें बात का दर्द इधर उधर घूमता फिरता रहता है, यानी कि एक जोड़ से दूसरे जोड़ में चला जाता है और इसका दर्द शाम को और जरा सा हिलने डोलने पर बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि जरा सा हाथ लगाने से भी बहुत तेज दर्द होता है तो ऐसे लक्षण में कैप्सिकम का सेवन कीजिए, समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैप्सिकम 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम तीन बार सेवन कीजिए, इससे आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है पेशाब पर। इसमें पेशाब काला रंग का होता है, बिल्कुल स्याही जैसा काला होता है या भूरे रंग का होता है। इसमें पेशाब बूंद बूंद होता है या पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है तो ऐसे लक्षण में कैप्सिकम का सेवन कीजिए, कैप्सिकम 30
दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार सेवन करने से ये समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है जीभ का पैरालिसिस। इसमें जीभ में कोई गति नहीं मालूम होती या जीभ बिल्कुल सुन्न हो जाती है। रोगी मुँह फाड़े रहता है और मुँह से लार बहा करती है, तो ऐसे लक्षण में कैप्सिकम का सेवन कराने से मरीज की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कैप्सिकम 30, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार मरीज को देना चाहिए। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है चेहरे का स्नायुशूल। इस बीमारी में जब दर्द शुरू होता है तो चेहरे की पेशियों में लकवे जैसा सुन्नता या जड़ता आ जाती है, तो ऐसे लक्षण में कैप्सिकम सेवन करने से ये समस्या ठीक हो जाती है। कैप्सिकम 30, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, तीन बार सेवन करना चाहिए, इससे समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों आगे भी मैं इसी तरह का होम्योपैथिक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।